बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है और टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। टाइटेनियम ग्रुप आपके साथ हमेशा रियल एस्टेट की इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करता रहता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो विक्टोरिया सिटी के बारे में है, शेरावाला ग्रुप का ये सक्सेसफुल जो है वो प्रोजेक्ट है। इससे पहले इनकी सक्सेशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ये डिलीवर कर चुके हुए हैं, जिनके अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। इन्होंने हॉस्पिटल भी जो है लाहौर के अंदर कंस्ट्रक्ट किया और डेवलपर की पूरी एक जो है कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री है कि जो भी कमिटमेंट करते हैं उसको जो है अपनी कमिटमेंट के मुताबिक डिलीवर करते हैं। बेशक इनकी जो प्रोडक्ट है वो सेल हो या ना हो, अपनी जो कमिटमेंट्स हैं हमेशा ये पूरी ले कर चलते हैं। इन विक्टोरिया सिटी जो है इन्होंने मुल्तान रोड के ऊपर लॉन्च की है। मुल्तान रोड के ऊपर ऑलरेडी अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो प्लॉट्स या कमर्शियल्स अवेलेबल हैं, जिसमें जजाक सिटी आ जाती है आपकी, पार्क व्यू सिटी आती है, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं और इनकी लोकेशन भी जो है वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। विक्टोरिया सिटी में जो एज मिलता है एक तो अपने डेवलपर्स का है, सेकंड एज जो है इस सोसाइटी को अपनी लोकेशन का मिलता है। लोकेशन के लिहाज से ये बहरिया टाउन से बिल्कुल 5 मिनट की जो है वो मुसाफत पे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड्स इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसको जो है सुंदर रोड लगता है जो कि सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट से आता है, रायबन रोड वाली साइड से। इसको कनाल रोड अटैच होती है जो बहरिया टाउन और न्यू लाहौर सिटी वाली रोड है, जिसके ऊपर मैक्सिममली 35 प्रोजेक्ट्स हैं रेजिडेंशियल। और एक इसे मुल्तान रोड लगता है जो कि बहुत ही खुला और वेल डेवलप्ड रोड है, जो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने उसको जो है कंस्ट्रक्ट किया है और प्रॉपरली मेनटेन किया हुआ है उस रोड को। तो इन एक्सेसिस की वजह से एक बहुत ही प्राइम अपॉर्चुनिटी निकलती है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या लो बजट के अंदर अपना घर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए उनकी प्लॉट की रिक्वायरमेंट जो है वो इसमें पूरी हो जाती है। अगर प्लॉट की कटिंग की बात की जाए इस सोसाइटी में तो 3 मरला से ले के 2 कैनाल तक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा 5 मरला का मेन बुलेवार्ड फेसिंग का कमर्शियल आपको अवेलेबल है। अगर हम प्राइसेस को डिस्कस करें तो प्राइसेस इसकी जो है 3 मरला की जो प्राइस रखी गई है वो 21.5 लाख रुपये रखी गई है। 5 मरला की इस तरह प्राइस जो है 35 लाख रुपये रखी गई है, जबकि 10 मरला जो है वो 65 लाख का लॉन्च किया गया। इसके अलावा 1 कैनाल और 2 कैनाल की कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं। 1 कैनाल 1.30 करोड़ का है, जबकि 2 कैनाल की जो प्राइस है वो 2.5 करोड़ रुपया है। अब अगर हम कमर्शियल की बात करें तो 5 मरला का मेन बुलेवार्ड 150 फुट फेसिंग कमर्शियल जो है उसकी प्राइस जो है इन्होंने 2 करोड़ रुपये रखी है, जो कि बड़ी मुनासिब है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में पहले ब्लॉक में अगर यही 5 मरला का कमर्शियल आप देखते हैं तो आपको तकरीबन 3.5-4 करोड़ की ब्रैकेट से स्टार्ट होती है प्राइस उसकी। तो ये आपको जो है 2 करोड़ रुपये में 3 साल की इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, तो बहुत ही प्राइम अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो है रेजिडेंशियल में भी आप फाइल्स की जो है इजी इंस्टॉलमेंट्स हैं इनकी, 15,000 से लेकर 90,000 रुपये तक की इंस्टॉलमेंट की ब्रैकेट है, और अगर हम डाउन पेमेंट्स भी देखें तो वो भी बहुत ही इकोनॉमिकल रखी गई हैं। इसके अलावा अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल जो 2 करोड़ रुपये का कॉस्ट करता है उसकी जो डाउन पेमेंट रखी गई है वो 20 लाख रुपये अप फ्रंट रखी गई है। इसके बाद उसकी मंथली 3 साल की मंथली ईजी इंस्टॉलमेंट्स हैं। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च होने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें बाइंग की है, इसमें ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी जा रही है। तो मेरी रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं एक मिनिमम बजट के अंदर, ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जो बड़े प्रोजेक्ट्स की तरह जिसमें ट्रेडिंग अच्छी हो, उनका प्रॉफिट अच्छा हो, क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट्स में जो है वो एक जैसा बेनिफिट नहीं होता किसी भी क्लाइंट को। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ट्रांजेक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें बार बार रेपुटेशन होती है सेल्स की, रीसेल की वैल्यू बहुत अच्छी निकलती है, तो ये प्रोजेक्ट उन्हीं प्रोजेक्ट्स में लाई करता है। इसमें बहुत लिमिटेड से प्रोजेक्ट्स हैं, जिसना आप लोग जानते हैं लाहौर में लाहौर स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है, इसी तरह इतिहाद टाउन है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट 1 है, और उसके बाद इसी जो है लोकेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट इस वक्त जो है लाहौर में आपको अवेलेबल है। इसके बारे में फ़र्दर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या जो प्रोजेक्ट डिस्कस किए गए हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, बुकिंग करवाना चाह रहे हो, किसी किस्म की वेरिफिकेशन करना चाह रहे हो, या आपका कोई भी इशू है इस लिहाज से, आप मुझसे फ्रीली जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो अवेलेबल है, व्हाट्सएप और ईमो पर भी यही नंबर अवेलेबल है। ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।